बैकअप यूटिलिटीज, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बैकअप यूटिलिटीज। 28 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लिखा हुआ है पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव लिखा हुआ है, रैम, सीडी रोम, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव भी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, सीडी रोम भी स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी कार्ड भी स्टोरेज डिवाइस है, बट रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसे हम वोलाटाइल मेमोरी या टेम्प्रेरी मेमोरी बोलते हैं, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होता है। 29 क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइसेस बाय व्हिच द रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइसेस। कहने का मतलब वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में हम परिणाम को प्राप्त करते हैं, उन डिवाइसेस को हम कौन सी डिवाइस कहते हैं। विकल्प है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शंस इनपुट कराते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम परिणाम को प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट से हम रिजल्ट हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर है आपका, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, इन सबसे आपका सॉफ्ट कॉपी मिलता है, बट प्रिंटर, प्लॉटर, इन सबसे आपका हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोर, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कॉक्सियल होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है, तो ये सब केबल्स का इस्तेमाल करके जो हम मीडिया तैयार करते हैं, तो दो तरीके से होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए एंड बी, वायर्ड एंड वायरलेस। 33 क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, जो नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग के प्रकार होते हैं, मतलब साइज के, दूरी के आधार पर जो नेटवर्किंग के प्रकार हैं, वो मेन तीन होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विकल्प है लैन, मैन, वैन, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑल ऑफ द अबव। तीन ही आपके मेन नेटवर्क जो दूरी के आधार पर बनाए गए हैं, मेन वही तीन हैं, लैन, मैन एंड वैन। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी मिनिमम 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक की दूरी होती है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका 1 किलोमीटर अबव 100 किलोमीटर के अंदर, इसको सिटी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। वैन होता है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की दूरी बढ़ती है तो वो आपका वैन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही विकल्प हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्किंग का प्रकार क्या है। तो प्रबंधन पद्धति किसके द्वारा, एक तो पीयर टू पीयर होता है, जो पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, और क्लाइंट सर्वर बेस पर होता है। तो यहाँ पर भी सही विकल्प आपका हो जाएगा ए एंड बी, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट एंड सर्वर।